जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है। ये हरियाणा की असली जो शक्ति है और बलिदान है उसको ये समर्पित हो रहा है शेर। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में ये हमारे दोस्तों के ये लोग हैं। तुम्हारी सुनना आनंददायक है, आनंद लीजिए। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। क्या होता है मंत्री जी, जब हम किसी से इश्क करना चाहते हैं और नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में तरह तरह की बकवास करने लगते हैं जिनमें की सत्यता नहीं होती है। ये आप सब लोग जानते और करते भी हैं। तो जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। ये भी थोड़ा हल्का था। इसके बाद वाला शेर देखिए, ये हाशिम ये तुमको समर्पित है। अगर मालूम हो, जितने युवा बेटे सीख ले, अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी राइवल, अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। और इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, तो इसमें बाप रुपए कह दिए, दादा कह दिए, कुछ भी कह दिए, सब मीटर रुपए। इजहारे इश्क, अच्छा इजहारे इश्क आप लोग जानते हैं, इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और एक और मस्ती का शेर आखिरी, कि है शर्मा भी तेरा आशिक। शर्मा जी आपसे माफी चाहते हैं, हालांकि उनको पता नहीं शर्मा जी कौन से हैं। ऐसे कह दो एक आध शर्मा होते ही सब ऐसे ऐसे करते हैं भगवान के साथ, हम यहाँ नहीं जानते कौन शर्मा, लेकिन ऐसे कह दिया जो भी शर्मा करना ऐसे कर दिया, मैं समझ गया वही शर्मा ये होता है होता नहीं अच्छा ये होता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य है शर्मा भी तेरा आशिक है, वर्मा भी तेरा मजनू है शर्मा। अब भयंकर तालियों के साथ मस्ती लीजिएगा, है शर्मा भी तेरा आशिक है, वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआज खाना बेहतर है। ओबामा की बात हमारे बेचैन भाई ने भी की कि ओबामा आए थे, मैं चूंकि पत्रकार हूँ लखनऊ में अखबार से जुड़ा हूँ, तो जब ओबामा ओबामा जी आए थे तो उन्होंने दो शहरों में जाने की अपनी ख्वाहिश जताई थी, एक दिल्ली और एक मुंबई की। दिल्ली से वापस चले गए थे, मुंबई नहीं गए थे, लेकिन जो उनका रूट चार्ट बना था उसमें उस सारे रास्ते पर से भिखारी हटा दिए गए थे जिससे उनको निकलना था। तो ये बड़ी खबर थी, बैनर हेडिंग थी, बैनर हेडिंग होती जो इस किनारे से शुरू उस किनारे तक जाए, ओबामा आए भिखारी हटाए, ये हेडिंग थी। अब सबने अपने नजरिए से देखा, व्यंग्यकार ने अपने नजरिए से देखा, मैं आपको छिड़का सुनाता हूँ, विशुद्ध व्यंग्य थी। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा, ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी आ रहे हैं, पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? सम्मानित मैंने इसलिए कहा कि जब हम भीख देते हैं, भिक्षा देते हैं, हम कहते हैं दादाजी ये लो, लो अम्मा ये लो, हम उस संस्कार के लोग हैं कि हम भिक्षा भी सम्मान के साथ ही देते हैं। हमने
प्रधानमंत्री जी से पूछा, ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी आ रहे हैं, पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? इस पर वो बोले, अस्थाना जी, भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है। मजबूरी में अगर व्यंग दिखाई पड़ जाए इंटरनेशनल तो आप तालियां जरूर बजाइएगा। बोले, अस्थाना जी, भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ा कटोरा फैलाने के लिए छोटे छोटे कटोरे हटाना जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं, अच्छा आज की घटना तो बता देने तो रह जाएगी। हम पहली बार रोहतक आए, अब एक यहाँ का हरियाणा का एक गाना मैंने कम से कम 3000 बार सुना, मेरे यार सुदामा रे, इतना बढ़िया गाना है। तो भाई जमीन को तो मैं संस्कृति और संगीत की जमीन मान चुका हूँ और अपने उत्तर प्रदेश की सारी संस्कृति यहाँ के नाम करता हूँ। तो मैं आया तो ये प्लेटिनम प्लाजा होटल में हमको रुकना था, तो हम जिस गाड़ी से उसमें हम थे और ये हमारे सक्तम भाई थे, बाकी सब लोग दूसरी गाड़ी थे। हमारा ड्राइवर जो था वो रोहतक आया नहीं था कभी, उसको मालूम नहीं, बिल्कुल सच रहता है लगभग 1 बजे के। अच्छा आपको पता है झूठ हम बोलते नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बोलते, एकदम सच घटना। अलग एक तो दिल्ली में बहुत देर भटकते रहे, फिर रोहतक पहुँचे, होटल प्लेटिनम प्लाजा नहीं समझ में आ रहा था कहाँ है, ड्राइवर को कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि उसने जब हमको दिल्ली से रिसीव किया तभी उसने हमसे पूछा कहाँ चलना है, यहाँ से भेजा गया था। हम समझ गए कि ये नया है, हमने पूछा कहाँ के, बोला इलाहाबाद के, हम समझ गए कहाँ चलना। तो फिर मैंने फ़ोन किया पवार भाई साहब, हमने कहा दादा ये होटल प्लेटिनम प्लाजा कहाँ है, बोले सेक्टर 14 में मार्केट के पास है। अब हमको सेक्टर 14 नहीं मिल रहा था, हम क्या करें, सच घटता है। तो हमने फिर पवार जी को फोन किया, हमने कहा दादा नहीं मिल रहा है, भटक रहा हूँ, बोले किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लूँ। अब मैं जिम्मेदार आदमी भगवान का समझे जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा, आदमी बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई नहीं दिख रहा था। तब तक मेरी नजर एक पड़ी, वो खड़े थे, हम समझ गए ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस ही जिम्मेदार होती, हर चीज की पुलिस जिम्मेदार होती है, चोरी हो, डकैती हो, लूट हो। सीटी मत बजाओ, मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है। क्या तुम बता के? ये ट्रेनिंग देता कौन है? मैं आज तक नहीं बजा पाया, मैंने मंत्री जी हजारों बार कोशिश की कि सीटी बजाओ, लेकिन नहीं बजा। पुलिस के बाद कहते हमने कहा इसी को बताई देंगे, तुम्हारी गाड़ी जो है पूछा भाई साहब ये होटल प्लेटिनम प्लाजा कहाँ है, वो उनको देखते रहे और चल दिए। बिल्कुल सच घटना है, चल दिए, बोले किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अच्छा हम लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब हिंदी की बेल्ट है, हम लोग खूब पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे यहाँ जब पुलिस के लोग आते हैं तो हम कहते हैं पुलिस आई है। ऑफिसर कहते हैं हम, जब पुलिस के लोग खड़े होते हैं हम कहते हैं पुलिस खड़ी है, जैसे अभी पुलिस खड़ी है देखे होंगे। हम अगर कहेंगे कि पुलिस खड़ा है तो कितना गलत ड्रामा लगेगा। अपने शोर में अगर मेरे शब्द खो गए तो फिर मेरा आनंद बेकार है। जिससे आप लोग हम पर कृपा बना रहे, चली गई तो जो आती है खड़ी होती है चली जाती है, वो पुल्लिंग कैसे हो सकती है, वो स्त्रीलिंग ही होगी। अच्छा आपको होटल आने की जल्दी थी, पवार साहब ने कहा था कि ठीक 6 बजे शुरू होना है, तो हम थोड़ी देर सोना चाहते थे, खैर होटल मिल रहा था, थोड़ा आगे बढ़े तो एक जीप खड़ी थी, 100 लिखा था उसमें बड़े वाले बैठे।
ये जरूर बता दे, हमने कहा वैसा ये होटल बिल्कुल सच कहता है एकदम। हमने पूछा वैसा ये होटल प्लेटिनम प्लाजा कहाँ है, बोले क्यों। हमने कहा हमको वहाँ जाना है, बोले क्यों। हमने कहा आज हरिभूम अखबार का कवि सम्मेलन है, बोले क्यों। अच्छा ये क्यों है ये तो हमको भी नहीं पता था, पर हमको ये मालूम था कि है, लेकिन मैं ये समझ गया कि ये बड़े अफसर हैं। बड़ा अफसर वही होता है मित्रों जिसको ये न पता हो कि हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है। वैसा कवि सम्मेलन है और मैं कवि हूँ, बोले तुम कवि हो, देखने में तो आतंकवादी लगते हो। ये तो मैंने कुछ कहा तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या, फिर व्यंग्य से जुड़िएगा। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं। महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं, ये आतंकवादी किसे कहते हैं। वो बोले हत्या कर दो, वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। अभी कलकत्ता में फ्लाईओवर गिरा तो उस फ्लाईओवर को जिस कंपनी ने बना, 34 मजदूर उससे दबकर मरे, जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी ने कहा कि दिस इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान की वजह से ये हादसा हुआ है, हमारी कोई कमी नहीं थी। एक क्षणिका मैंने कही, आप जुड़िएगा, मैं विशुद्ध दुबेंगी की यात्रा कराना चाहता हूँ, क्योंकि इसके ठीक बाद मेरे 5-7 मिनट के बाद आदरणीय पवार साहब को इस कवि सम्मेलन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहाँ हिंदुस्तान का प्रत्येक कवि सम्मेलन के माध्यम से जाता है। वो फ्लाईओवर जब गिरा तो मैंने एक क्षणिका कही, जांच कमीशन बैठा, उसका रिजल्ट जुड़िएगा। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया, पुल बहुत गिड़गिड़ाया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं खाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा है। पुल ने अपने आप को निर्दोष बताया कि सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं खाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील जांच कमीशन के सामने धुनी गई, आखिरकार फैसला उसके विरोध में ही आया जो होना था। आखिरकार फैसला उसके विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। अब ये तो यहाँ तक तो सिर्फ वर्णन था, अंतिम दो पंक्तियां व्यंग्य हैं, उनको आप उठाइएगा। फैसला उसके विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया, पुल अपने ऊपर लगाए गए इस इल्जाम को सहन कर गया। अच्छी तालियां देना, पुल अपने ऊपर लगाए गए इस इल्जाम को सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन ही हम कवियों की बड़ी तारीफ की जाती है कि हम लोग यहाँ गए वहाँ गए देश विदेश गए, हम लोगों के बारे में कहा जाता है। अच्छा, आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन होता है? ये इतने देश गए उतने देश गए, आप न तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करते ना हमारे वीजा देखते। हम कभी लोग इसी तरह खूब विदेश गए, पवार जी 50 देशों में हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हम पवार जी के लिए बजाते हैं। मैं पवार जी से छोटा हूँ,
लेकिन मैं 55 देशों की यात्रा कर आया हूँ। नहीं भगवान कसम सही कहा, 56वें देश में मेरा जहाज लैंड करने ही वाला था, जहाज लैंड करने ही वाला था कि सत्यपाल सत्यम जी ने जगा दिया, बोले भैया उठो रोहतक आ गया। मैं एक क्षण का और सुनाता और आदरणीय पवार जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छा ये भी लाए हो? ये पूरे साजो सामान के साथ लोग आए, ये अच्छा होता है, ये खुशी का मौका होता है, आप जो बजा पाए वो बजाइए। आप लोग मुझे कृपया अनुमति दें, मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ की राजधानी है, लखनऊ में विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है, जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कभी कोई मिल जाता, कभी कोई, कभी कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई नेता, कभी कोई इंजीनियर। वहां पर एक दिन हमको एक भ्रष्ट अफसर मिले, भ्रष्ट अफसर, हम अपने मित्र भ्रष्ट अफसर के घर गए। हम अपने मित्र, बस 15 सेकंड दे दीजिए, आपने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चलाया मेरे 15 सेकंड। हम अपने मित्र भ्रष्ट अफसर के घर गए, देखा अफसर जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति मिली, सोचो कुछ हो क्या घर गए देखा अफसर जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी अफसर जी कैसे मर गए, क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। मैंने इससे गहरा व्यंग्य अपने जीवन में नहीं लिखा है, इसलिए आप सभी तवक्को चाहता हूं कि आप मुझे आशीष भी उतना ही गहरा दें जितना मैंने कोशिश की है। क्या रस्से, क्या कैसे मर गए, क्या इन्होंने कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था, या एड्स था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने दुकान में झांका था। तेज भाई उत्तर कान में कह गए, यार तुम तो वास्तव में अच्छा लिखते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा मित्र जो है तथाकथित वो मेरी वास्तव में तारीफ करेगा। एक बार मेरे लिए तालियां बजाइए, मेरा कवि काम पर समाप्त हो चुका है। कवि के उस महान यज्ञ धर्मी को आमंत्रित करना चाहता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर हरिओम कुमार। कितने वर्षों पहले